ইঞ্জেকশন দিতে ভয় পাচ্ছে দিন দো দো গালি আমি নেই দে সকতি মে গালি গালি দো দো সমঝ রে হো वेलकम बैक टू माई चैनल इनफाइनाइट फैम। आज मैं शेयर करूंगी एक डे इन माई लाइफ ब्लॉग और आज का दिन बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंसान के पास जिनसे लास्ट में 8-9 महीने पहले मिली थी। और आप में से जो भी मेरे चैनल में बहुत पुराने टाइम से हो ना, यू गाइज नो हर वेरी वेल। चलिए और ज्यादा फालतू के बकबक के बिना दिन का शुरुआत करते हैं। अभी अभी नहा के आई हूँ, अब देख सकते हो बाल पूरा भीगा हुआ है। A few moments later. मेरे मन में बहुत अच्छा एक प्लान आया है, सैबोटेजिंग प्लान। बाबा। तो गाइस ड्रेस तो मैंने चेंज कर लिया है, मैंने क्या पहना है मैं बाहर जाके आपको दिखाऊंगी। ग्रीन और फाउंडेशन दोनों को मिक्स करके फेस पे लगा दिया है बिकॉज दैट इज गोना ब्लेंड एवरीथिंग टुगेदर प्रीटी वेल। One hour later. ये ड्रेस मुझे मम्मी ने दिया है, इट्स फ्रॉम फॉरएवर 21। अगर किसी को पता करना है तो मैंने बता दिया, दिस इज वेरी समरी एंड फ्लोई। हेलो शोना, तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और अभी आए हैं एक स्टूडियो में क्योंकि मुझे कुछ स्टैम्प साइज फोटो चाहिए। पहले मुझे जाके स्विमिंग में एडमिशन लेना है। अभी हम लोग आ चुके हैं स्विमिंग में एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पर 2 साल से एडमिशन लेने के बारे में मैं सोच रही हूँ। आई नो स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए नहीं, प्रैक्टिस के लिए। बैक टू दिस पूल आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, किरम लग जी। गाइस अभी एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था, मैंने जो फ़ोन है अपना, वो फ़ोन को मैंने जहाँ पर जो स्विमिंग में एडमिशन लिया ना वहाँ पर रख के मैं चली आई और हम लोग तब से फ़ोन ढूंढ रहे थे और मिल नहीं रहा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, फ़ोन वापस मिल चुका है। मुझे तो लगा आज का प्लान ही फेल हो जाएगा क्योंकि अगर फ़ोन खो जाता तो ऑब्वियसली प्लान फेल ही हो जाता। मच लेटर। तो ज्योति को मीठा बहुत पसंद है तो इसीलिए हम लोग इधर से ज्योति के लिए कुछ लेने वाले हैं, उसका फेवरेट आमंड ब्राउनी, ये ज्योति को बहुत ज्यादा पसंद है। ऑल्सो टेकन दिस वन। उधर से हम लोग खरीद के फिर हम लोग चले जाएंगे ज्योति के पास। कितना मजा आ रहा है, आज ज्योति को जबरदस्त सरप्राइज मिलेगा, बहुत ज्यादा सरप्राइज मिलेगा। ठीक है, शॉपिंग करेंगे उसके बाद जाएंगे ज्योति के घर में। कितना अच्छा लाइट आ रहा है, इकलौता मॉल जहाँ पर आप आराम से शूट कर सकते हो, कोई आपको आके नहीं बोलेगा मैडम प्लीज कैमरा अंदर रखिए। तो गाइस फाइनली हम लोगों का शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है। मैंने कुछ अच्छे अच्छे बहुत ही क्यूट ड्रेसेस भी लिया है फ्रॉम मैक्स फैशन, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी वो क्या है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं ज्योति के पास। इतना अंधेरा क्यों है, ऐसा लग रहा है किलविश का खूंखू गुफा के अंदर मैं शूट कर रही हूँ। Eternity later. दो दो गाली दे सकती मैं, गाली गाली दो दो। लोगों को भी तो पता चले मुझे कितना सुनने को मिलता है। बहुत दूर हो गया, नारियल फोड़ो तो नारियल फोड़ो। देख 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 तुमको ब्राउनी पसंद है, बोल के आमंड ब्राउनी लेके तो यार लास्ट में जब आए वो जो टिकटॉक करी थी ये ब्राउनी लेके पायल बिल रखा है ना पायल। हाँ अब क्यों छोटा होगा क्या, टाइट होगा इसको मैंने बोला। हमें बोल छिलाम सालों के बाद मिला रही हूँ जिया से। हाय, कैसी हो जिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे?
कैसे हैं? हम सब अच्छे हैं। और कितना दिन पहले हम लोग फिर तू मेरे घर में आई थी, आई थिंक 3-4 साल पहले। नहीं, उसके बीच में तो आप यहाँ पर आए थे, तब मिले थे ना। इसके बीच में नहीं है, मैं 2019 में आई थी, 2019। क्या नहीं बोला तूने? उसके बाद मैं आज मिल रही हूँ, मतलब 19, 20, 21, 22, 4 साल। नहीं, मिडिल में मैंने गाड़ी में मिला था एक बार। लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं ज्योति से कितना डरती हूँ। बहुत थोड़ा सा डरना चाहिए यार, मैं ऐसे नहीं डांटती हूँ। आप ऐसे करते हो, ऐसे से कांड करते हो कि गुस्सा आ जाता है इंसान। Exactly. क्या हुआ? अरे कहना क्या चाहते हो? और मैं ऑफ कैमरा इसको कितना डांटी हूँ मैं तो बता नहीं सकती। वेरी इम्प्रेसिव। मैं आज बोली थी 12:30 बजे आऊंगी और मैं आई हूँ 3:30 बजे, पीछे वे घड़ी बता भी रही है, एकदम चौड़ी हो गई। अभी आप लोग बाकी का बताओ क्या कर रेडियो अच्छी और इसको भी देखो इसका क्या मजा मिल रहा है, मुझे डांट लग रहा है मगर इसको कितना मजा मिल रहा है पहली बार। I am in the perfect place, you know? बड़ा हरामी हो बेटा। इसके लिए आंटी ने ना बहुत ही ज्यादा अपने हाथों से स्पेशल वाली जो फ्राइड राइस और चिली चिकन है वो बनाया था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ज्योति के मम्मी यानी आंटी के हाथ का खाना एक बार खाओगे ना तो बस खाते ही रह जाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाती है आंटी। बढ़िया लंच बनाए, यहाँ पर है मिक्स फ्राइड राइस, आई थिंक एग चिकन फ्राइड राइस और साथ में है चिली चिकन, मेरी फेवरेट। तो आइए खाते हैं। शाम के टाइम में तो क्या बोलूं, मतलब पूरा प्लेटर आ गया यहाँ पर। देखो, बॉइल्ड एग है, डोरिटोज है और है आंटी के हाथ का स्पेशल लॉलीपॉप। चल रहा है कि मेरी शादी में क्या होगा, हालांकि लड़का का भी देखो, लड़का का पोजीशन बिल्कुल मिसिंग है। दो दो कैबिनेट किस तरह देखूं? चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा, मलाई करी चिंगड़ी माछे, ओ ताले चिंगड़ी माछे मलाई करी और भेट की बातुरी, बस सॉर्टेड। ना लड़का मिल रहा है ना ये मेरा खाने को मिलेगा। इसका न्यू चैनल, व्लॉग चैनल आने वाला है बहुत जल्द, जैसे आएगा आपको मैं बता दूंगी। डू गिव अ लव एंड सपोर्ट, क्योंकि बहुत सब्सक्राइब ऑफ कोर्स चैनल आएगा तो जरूर जरूर करना आप लोग। मैं आपको बताऊंगी जब चैनल लाइव हो जाएगा। Yes. और भी बहुत प्लान्स कर रहे हैं वीडियो, हाँ, और बहुत मजेदार कुछ वीडियोस आने भी वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। बाय। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, अंदर में जिया को मैंने बाय बोल दिया है, बाय बाय आंटी। Two hours later. अभी मैं क्या करूंगी ना, पहले जाके कपड़ा चेंज कर लूंगी, मेकअप रिमूव करूंगी, फ्रेश हो जाऊंगी, फिर कुछ खाना पीना का इंतजाम करूंगी। तो ज्योति के घर से लौटते वक्त मैं एक और शूट कर रही थी, जिसके वजह से मुझे कपड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ा और अभी मैं फ्रेश होके सबसे पहले स्किन केयर करूंगी और आपके साथ कुछ मजेदार भी शेयर करूंगी। कोरियन स्किन केयर में आप एक एसेंस के बारे में जरूर सुना होगा, वो आपकी स्किन केयर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं हाल ही में इस्तेमाल कर रही हूँ मामा अर्थ की न्यूली लॉन्च रूट्स ऑफ रेडियंस एसेंस सीरम। अंदर है बेस्ट ऑफ अर्थ यानी अश्वगंधा एंड टर्मरिक। अश्वगंधा स्किन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और साथ में फ्री रेडिकल डैमेज को रोकता है और डार्क स्पॉट को घटाता है। टर्मरिक मेक्स योर स्किन ब्राइटन एंड ऑल्सो इसके अंदर है बेस्ट ऑफ साइंस यानी हाइलुरोनिक एसिड, जो मॉइस्चर को रिटेन करके आपके स्किन को एक हाइड्रेटेड एंड प्लम्पी लुक देता है। ये एसेंस बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और वॉटरी है, जिसके वजह से ये झट से स्किन के अंदर घुसता है एंड गिव्स यू अ ब्राइट एंड नेचुरली प्लम्प्ड लुक। आपको तो पता ही होगा कि मामाअर्थ ने लिया है एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके चलते जब भी आप मामाअर्थ से कुछ ऑर्डर करोगे उनके वेबसाइट से, वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देगी एक ट्री के साथ, जिसे वो प्लांट करेगी बाय द ईयर 2025। ऑल्सो मामाअर्थ हैज रिसेंटली लॉन्च देयर ऑफिशियल ऐप, iOS और Android लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, डू चेक आउट। इस एसेंस की और 4 वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है,
वो है लीव्स ऑफ क्लैरिटी जिसमें नीम एंड सैलिसिलिक एसिड है, फ्लावर्स ऑफ यूथ जिसमें हिबिस्कस और हाइलुरोनिक एसिड है, गार्डन ऑफ ग्लो एसेंस सीरम जिसके अंदर है विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड के गुण। आपको ये एसेंस ट्राई करनी है, मेरी यूनिक कोड इनफाइनाइट 2022 जरूर इस्तेमाल करें ममाअर्थ की वेबसाइट में, क्योंकि इससे आपको मिल जाएगी 20% ऑफ, यानी बहुत ही सस्ता पड़ेगा। अभी चलिए मूव ऑन करते हैं टू द रेस्ट ऑफ द डे। The next day. गुली 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 की कच्चा की कच्चा। गुड मॉर्निंग शोना, तो आपको तो पता ही होगा कि कल मैंने शॉपिंग करी थी और ऊपर से ना ज्योति के घर में भी, तो ज्योति जी स्टोर का पूरा सोर्स है आपको पता है, तो वहाँ से भी मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें अपने लिए पिक करी है और मैं पूरा हॉल ना अभी आपके साथ शेयर करूँगी। कल ने एक्चुअली 3 ड्रेसेस को पिक करी है फ्रॉम मैक्स फैशन एंड ऑल ऑफ देम आर समर ड्रेसेस। सबसे पहला जो ड्रेस है ना वो है ये ब्यूटिफुल कलरफुल, जो ये ड्रेस देख रहे हो ना ये एक मिड लेंथ ड्रेस है एंड आई थिंक दिस इज परफेक्ट फ्रॉम एनी अपकमिंग समर वेकेशन। दिस इज सो प्रिटी, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। इसका पीछे मैंने इलास्टिक है तो दैट्स वाई, मतलब यू नो इट इज स्ट्रेचेबल, इट गिव्स यू अ गुड फिट। ये ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आया, दिस इज वेरी वेरी प्रिटी, जस्ट द कलर एंड द प्रिंट इज डिफरेंट। मुझे इसका ये वाला लुक इतना अच्छा लगा कि मैंने ये ब्लू वाला भी ले लिया एंड ये वाला थोड़ा सा कम स्ट्रेचेबल है, मतलब इसका पीछे में वो स्मॉक्ड किया हुआ नहीं है तो स्ट्रेच आपको कम मिलता है। जो मैंने लिया है दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कुर्ता ड्रेस एंड इसका भी ऐसे ही फाइन, मतलब एकदम पतले वाले स्ट्रैप्स है। मुझे ऐसे स्ट्रैप वाली ड्रेसेस प्रिंट देखो, इससे ज्यादा समरी प्रिंट कुछ हो सकता है क्या? आई मीन दिस इज लाइक समर इन अ ड्रेस, जस्ट लुक एट द ब्यूटिफुल प्रिंट, ये स्मॉक्ड किया हुआ है। अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है जो सामान मैंने ज्योति जिया स्टोर से लिया है एंड सबसे पहले मेरे पास जो मैंने लिया है वो है ये ब्यूटीफुल क्लच, आप देख सकते हो। इसको आप साड़ी के साथ, ड्रेसेस के साथ, हर किसी के साथ कैरी कर सकते हो एंड ग्रेट थिंग इज दैट इसके अंदर ना काफी ज्यादा स्पेस है तो आपके 2 फोन्स हैं तो वो आ जाएंगे। ब्यूटीफुल सिल्वर वाली जो एम्बेलिश्ड बैग है ना इसको, दिस इज सच अ प्रिटी पाउच, आई थिंक दिस विल गो वेरी क्यूट विथ एनी काइंड ऑफ कैजुअल आउटफिट और इवन एनी काइंड ऑफ ड्रेसी आउटफिट। मैंने लिया है कुछ स्टिक ऑन नेल्स, आप देख सकते हो रैंडम डिजाइन है। मैंने 2 ऐसे डायरीज लिख लिया है क्योंकि मुझे ऐसे डायरीज की बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है मेमो बनाने के लिए। सेट ऑफ क्लिप्स लिया है, दिस आर ऑल एम्बेलिश्ड क्लिप्स और मुझे लगता है दिस लुक्स वेरी प्रिटी। মুক্ত তো একদম পয়েন্টে আছে। শিবজিকে ডাকছে, ইঞ্জেকশন নিতে ভয় পাচ্ছে। দিন মনে হয় ধাই পিঁপড়া কামিয়ে দিয়েছে। হয়ে গেছে মেরা হালত बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। तो क्या हुआ, जिम जाके मैंने स्ट्रेंथ वर्कआउट कर लिया तो कार्डियो करने के लिए ना मैं पहले साइकिल में चढ़ गई क्योंकि ट्रेडमिल में कोई था तो मुझे लगा वो उतर जाएगा तो मैं चढ़ूंगी ट्रेडमिल में। तो मैंने जब देखा कि वो बंदा उतर गया तो मेरे कान में हेडफोन था, मैंने मेरा ही गलती है क्योंकि मैंने नोटिस नहीं किया। तो ट्रेडमिल क्या होता है ना, जब आप एंड करते हो, स्टॉप करते हो, इट टेक्स सम टाइम टू कम्प्लीटली स्टॉप, वो थोड़ा सा रोल आउट होता है। जैसे ही मैं चढ़ी ना आई वॉज लाइक कम्प्लीटली स्लिप्ड ऑफ, नकल्स के पास पूरा मेरा स्किन जो है निकल गया है, इधर पे मेरा स्किन फट गया है, इधर पे भी मेरा स्किन फट गया है और फिर मतलब पैर में, नीज में भी, जो बट एरिया है ना वहाँ पर भी लेफ्ट साइड में मुझे बहुत जोर से लगा था। मेरी चिन वाला यहाँ पर ना, चिन के नीचे यहाँ पर भी मेरा मार्क हो गया है, मेरा नॉट कम्प्लीटली क्लीन, तो इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट किया कि यू टेक अ टेटनस शॉट। इसीलिए ये पूरा डिटेल्स बताने के बाद मैं बता रही हूँ कि अभी मैं वीडियो को एंड कर दूंगी क्योंकि और मैं हालत में नहीं हूँ वीडियो को कंटिन्यू करने का। मेरा बहुत मन था कि मैं ब्लॉग को और थोड़ा कंटिन्यू करूँ और भी कुछ अपडेट शेयर करूँ क्योंकि इतना दिनों के बाद ब्लॉग जो कर रही थी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और हाँ, नेक्स्ट शाउट आउट के लिए कॉमेंट करना मत भूलना। बहुत ही अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय। हाथे बैठा च
चाय पीती हूँ।